हेलो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, तो आपके सामने हूँ। तो आज काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद मैं ब्लॉग शूट करने जा रही हूँ। तो बीच में मेरी तबियत सही नहीं थी, तो अभी थोड़ा ठीक है, तबियत में सुधार है, तो ब्लॉग को कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 7:30 बजे से। तो ब्लॉग होगा, ब्लॉग या शॉर्ट होगा बता नहीं, देखते हैं क्या होता है आगे। तो आज के ब्लॉग में भी अपने कमरे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहले आपको, सबसे पहले आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ कि आज पहाड़ में कैसा मौसम है, उसके बाद ब्लॉग को आगे कंटिन्यू रखूँगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो आज का मौसम कुछ इस प्रकार है, देखो। तो ये काफ़ी यहाँ पर बंदर भी आ चुके हैं अभी सुबह सुबह, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बंदरों का आतंक छाया हुआ है। तो सुबह सुबह बंदर ऐसे करते हैं यहाँ पर, ये देखो छत पर बैठा हुआ है, कब लोग अंदर जाए मैं कब छापा मारूं। तो यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रखी है, तो हमारे अरबी भी लगी हुई है, जिसको पहाड़ में हम पहाड़ी भाषा में पिनालू गडरी वगैरह बोलते हैं। और वो सामने हमारा केले का पेड़ भी है, तो आप लोग देख सकते हैं सामने खीराकोट गांव दिख रहा होगा आपको। तो ये सामने खीराकोट गाँव है, ये देखो। तो ये सुबह सुबह हनुमान जी के दर्शन हो चुके हैं, ये देखो। तो सुबह का मौसम कुछ इस प्रकार का है, आप लोग देख सकते हैं, ये देखो। तो हमारे लौकी भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखो। तो अभी हमने छुपाए हैं, जब बारिश बंद होगी तो आपको दिखाया जाएगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो कल रात से काफ़ी बारिश हुई, आप लोग देख सकते हैं, ये पानी पानी हो रहा है, देखो इतना पानी हो रही। तो बारिश से काफ़ी हमारे ये भी निकल गए हैं, मेरा डॉगी है देखो, ये कैसे जंपिंग करता है, ये ला ला। तो अब जाते हैं अंदर की तरफ। तो बाहर का मौसम मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, तो अभी आपको अंदर का दिखाती हूँ कि आज हम क्या बना रहे हैं रास्ते में। तो कुछ स्पेशल होने वाला है, आपको दिखाते हैं, आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज मैं आ चुकी किचन में, तो देखते हैं क्या बना रही हूँ आज। तो यहाँ पे है आलू उबाल के लिए, तो रेडी हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये तो देख सकते हैं आप, आलू इसमें रेडी हैं। और इसमें मैंने आटा गूंथा हुआ है, इतना है अभी। और ये है कि टन 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 टन, तो देखो, तो इससे आज हमारे नाश्ता तैयार हुआ इससे। तो देखते हैं क्या बना रहे हम। और ये मैंने कांदा और मिर्ची काटी हुई है पराठे के लिए। तो आलू के पराठे बनने के टाइम आपको दिखाया जाएगा कैसे बनाते हैं रेसिपी। तो फिलहाल ये है, अभी बाकी मिक्स करना है, आलू अभी छीलने बाकी हैं। तो देखते हैं, अब तो मैंने आपको दिखा दिया रास्ते में क्या बन रहा है, तो जब बन जाएगा बनेगा तब आपको वीडियो देखेगी। तो फिलहाल के लिए बने रही मेरे ब्लॉग में, तो तब तक देखते हैं राधा सब्जी क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम आज बारिश की वजह से, तो यहाँ पे कपड़ों की तह चल रही है, देखो ये। तो मैंने सोचा था आज मैं करूँगी, लेकिन ससुर जी ने कर देता हूँ मैं। तो दो लोग अभी तय कर रहे हैं, आप लोग देखिए। तो अब मैं बना लेती हूँ फटाफट से पराठे, तो उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे ब्लॉग में। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो मुझे भी थोड़ा अजीब सा हो रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो अब आज से ब्लॉग कंटिन्यू रहेंगे, छोटे बड़े जितने भी आएंगे लॉन्ग शॉर्ट। तो आप लोग अपना सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना मेरे ब्लॉग को। और इसमें है आलू, तो इसको मेरे को फटाफट छीलना है, तो उसके बाद ये है हमारे आलू। तो आलू को हम इससे करेंगे, इसे करेंगे हाथ से, हम लेते हैं इजी हो जाएगा आलू दिखा। तो ये है प्याज और
मिर्ची, तो इसको हम इसमें मिक्स करेंगे ऐसे। नंबर डाल दिया नमक और डाल, थोड़ा कम आ जाएगा। फिर इसको भी ऐसे कुछ इस प्रकार से ऐसे करते हुए, ये तो आज बनने वाले हैं आलू के पराठे। वैसे पहले भी बनाए हैं, एक दिन पहले, तो उस टाइम फ़ोन ख़राब हुआ था, तो अभी नया फ़ोन लिया मैंने, तो इसलिए थोड़ी क्लियर वीडियो भी आपको दिख रही होगी, तो आप साफ तरीके से मेरे वीडियो को देख सकते हैं, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, देखने में मज़ा भी आएगा। फिर ये आलू और इसको ऐसे डाल के, ठीक है, तो ये मेरी दिल्ली वाली भाभी ने मुझे सिखाया है जब मैं वहाँ शॉपिंग करने गई थी। इसको ऐसे बंद करना है, फिर ये पहले ऐसे कर लिया, फिर जो कोने बचता है इसको ऐसे कर लिया, इसको भी ऐसे ही कर लिया, फिर जो ऐसे बनाते हैं इसको थोड़ा सा इसमें आटा लगा के ऐसे करके इसको ऐसे घुमाना है, ठीक है। फिर जो ऊपर का ये बचता है इसको तोड़ के भूसे में डाल देना, फिर इसको घुमा देना ऐसे, तो ये देखो एकदम से रेडी हो चुका है। तो इस प्रकार से इसको ऐसे बनाते हैं, तो बनने के बाद आपको देखेंगे कैसे बने हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कर देंगे चिमनी को ऑन, तो यहाँ से वैसे कलर मैच करके, ये देखो गर्मा गर्म पराठे और एक तो ये फट चुका है थोड़ा, इतने और बनाने हैं, बनाने के बाद दिखाते हैं आपको किसी के मुँह में आ रहा है पानी। ये देखो दो चार पराठे, चार पांच पराठे रेडी हो चुके हैं, तो उन पराठों को मैं 700 रुपये देती हूँ गर्म गर्म, फिर मैं आराम से खाऊंगी, क्योंकि अभी इतना बाकी है, अभी 3 बोरी और बची है, और क्या कहते हैं इतना भी ये बाकी बचा हुआ है, दूसरे दिन का काम आ जाएगा, देखते हैं फ्रिज में रख देंगे। तो ये मैंने देखो गर्मा गर्म पराठे, चाय और थोड़ा अचार है, और अचार तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे लहसुन का अचार बनाया हुआ है मैंने, लहसुन और मिर्ची डाली हुई है इसमें कटी हुई, ये तो दोनों दो प्लेट रेडी हैं। मैं उनको पराठे लेके आ गई हूँ, तो जाते हैं तो पूछते हैं कि नमक वगैरह कैसा हो रहा है और कैसे बने हैं, तो आप ज़रूर सुनना। अच्छा, तो पहले सास माँ से पूछते हैं कि कैसा बना है नमक। अच्छा, हाँ बढ़िया, कैसा रहा बढ़िया। अब ससुर जी से पूछते हैं, तो ससुर जी ने भी एक फिनिश कर दिया जल्दी जल्दी। ससुर जी कैसा हुआ है? मस्त मस्त, ठीक है। देखो हमारी ककड़ी, हमारा ककड़ी भी हो चुकी है, तो ये जिसके यहाँ नहीं हुई होगी तो उसको उसको मुँह पानी आ रहा होगा, तो ये हरी ककड़ी है, ये हरी ककड़ी, इसमें से एक
बाकी हमने खा लिए हैं। एक और हरी ककड़ी पकड़ने लगी, ये हरी ककड़ी हुई है, फिर छोटी छोटी और हो रही है ये और एक कद्दू। कल हम घास के लिए गए थे तो वहाँ खेत में कद्दू हुआ था, एक बड़ा सा है, अगर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। ये मैं थोड़ा हाथ मुँह के बाल वाल बना के थोड़ा रेडी हो चुकी हूँ, तो अब दिखाती हूँ हमारे लौकी कितने हुए हैं। आजकल गांव में क्या सब्जी हो रही है, बारिश हुई है तो ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी, थोड़ा बहुत छतरी लेके जाती हूँ। तो अपने आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ थोड़ा दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों को भी ब्लॉग देखने में मज़ा आए और एक्साइटेड हो, ताकि क्या क्या फल ना सॉरी सब्जियाँ आजकल हुई हैं। तो लौकी हुई है और तुमई जो गोल होती है, तो मैंने ब्लॉग वीडियो में काफ़ी बनाई है, तो आज ब्लॉग में आपको दिखाती हूँ। तभी मैं बाहर से बैठी हुई और हमारे डॉग यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। चीनू बाय टू, ठंडा हुआ ओ बाबली ठंडा हुआ। हेलो, हाथ दे, ये हाथ देता है, ये मैंने ले ली है, तो अब आपको दिखाती हूँ। तो डॉगी को लग रहा है कि कहीं जा रही है, कैसा कर रहा है, देखो चल चल आ जा ले चल चल मैं जानी, बाय चल आ जा चल बाय, मुझे ले जाएगी करके कैसा कर रहा है, देखो ये तो आपको दिखाती हूँ अब क्या क्या सब्जियाँ हुई हैं। तो बने रही मेरे ब्लॉग में, तो यहाँ से देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये तो धान काफ़ी पकने वाले हैं, तो जो उधर वाले खेत में पक गए हैं उसे लाल धान बोलते हैं, जल्दी हो जाता है। तो ये देखो आप लोग देख सकते हैं, हमारे बगल में खेत है किसी का, तो उनका अभी हरे हुए हैं धान, तो 10 दिन में हो जाएंगे शायद समथिंग। तो मेरे सासू माँ ने एक छोटा सा क्या कहते हैं फूल का पेड़, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत प्यारा सा। आप देखो तुमड़ा, एक तुमड़ा तो मैं यहीं पर मिल गया है, और बाकी ऊपर भी हुए हैं, लेकिन अभी बारिश की वजह से ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँगी, तो नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी। तो आप देख सकते हैं तुमड़ा ये, और अभी देखो कितने प्यारे प्यारे फूल भी हमारे यहाँ हो रहे हैं। तो ये हाजरी का बना है, ये देखो बहुत फूल जो घूम गए हैं, और मक्के हमने आधे मक्के तो हमने तोड़ दिए हैं, तो पानी कितना हो रहा है आप लोग देख सकते हैं। ये तो मैंने अपने हस्बैंड की चप्पल पहनी हुई है, तो काफ़ी बड़े हो रहे हैं मेरे लिए, तो ये देख सकते हैं आप लोग। ये तो ये मक्के हैं हमारे, हमें आधे हमने तोड़ दिए हैं, तोड़ के आधे खा भी लिए, तो देख सकते हैं ये। तो मौसम देखो आज का कितना सुहाना और कैसा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ये। आप लोग देख सकते हैं, देखो ये इतना पानी हो रहा है कि पूरा पांव डूब जा रहे हैं, ये देखो ये। तो सबसे बड़ी लौकी हमने यहाँ छुपाई है, मैं आपको दिखाती हूँ, या ये लो आप लोग देख सकते हैं, ये इसका टॉप से देखो ये यहाँ तक पहुँचा हुआ है बॉटम में, तो देख सकते हैं। अब छोटी छोटी तुमड़ी और हुई है, ये हो ही लौकी हुई है छोटी छोटी, और भी वहाँ से बहुत सारे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ।